ओडिशारे कांग्रेसर वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडरों सह भेटी समर्थन मागिबा को ओडिशा आसी गांधी परिवार केही लड़िबेनी बोली वार्ता आसीबा परे मु राज्यसभा पदरु इस्तफा दे दलय निर्वाचन लड़ुची। कांग्रेसर इस्ताहार जहां मोर इस्ताहार भी सैया किछि नुआ नुहे उदयपुर सभार निष्कर्ष मोर एजेंडा। मेरे पत्रकार मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस वक्त आपके साथ जो बैठा हूं, यहां पर अपने डेलीगेट से मिलने, सीनियर लीडर से मिलकर बातचीत करने के लिए और सपोर्ट मांगने के लिए यहां आया हूं। मैं जो कैंडिडेट बना हूं, ये सभी ने मुझे एक तरह का प्रोत्साहन देके उन्होंने मुझे कैंडिडेट बना। मेरा बनने का पहले तो इरादा नहीं था। जब गांधी परिवार का सदस्य पहले ही कह चुके थे इस चुनाव में नहीं आएंगे, तब सारे सीनियर लीडर्स, डेलीगेट्स, अनेक राज्यों से फोन आने के बाद मैं ये तय किया, अब तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन कैबिनेट रैंक में हूं। फिर मैं कंटेस्ट करने का मुश्किल होगा, फिर उसके बाद में मैं ये सोचा खड़गे अपने लिए सोच रहा है, देश के लिए और कांग्रेस के लिए नहीं सोच रहा। ये बात आएगी, इसीलिए मैंने पहले त्यागपत्र दिया कैबिनेट रैंक मिनिस्ट्री से और चुनाव में उतरा, वो भी सभी के सपोर्ट से। आप सब लोग देखे हैं जो जो सपोर्टर्स वहां खुद फॉर्म भरने के लिए आए थे और सैकड़ों प्रपोजर्स बाहर बैठे हुए थे, इतनी बड़ी भीड़ थी। जब सारे कांग्रेस के वर्कर्स, लीडर्स, डेलीगेट्स मुझे कंटेस्ट करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, मनवाते हैं, तो मेरा फर्ज होता है कि कोई पार्टी के लिए मानू, तो इसीलिए मैंने इस चुनाव में उतरा हूं। और इस चुनाव में आने के बाद आप लोग पूछेंगे कि क्या प्रायोरिटी आपकी है, क्या है, ये आप सभी को मालूम है। मेरे पास कोई नया मैनिफेस्टो नहीं है, मेरा मैनिफेस्टो वही है जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले था और उसके बाद उदयपुर में जो चिंतन मंथन शिविर में सारे एक्सपर्ट्स, छह बड़े कमिटियां बना के, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, किसानों के बारे में और इकोनॉमी के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, ये जो कमिटियां बनी थी, इन कमिटियों में से जो सार निकला वही उदयपुर डिक्लेरेशन और वही मेरा एजेंडा है, उसी को मैं अनुष्ठान में लाऊंगा और एक एक करके सभी को इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, युवाओं को कैसा मदद करना चाहिए और बिलो 50 एज उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना, ये सारी चीजें जब उसमें है, अगर मैं कुछ नया एजेंडा लूं तो वो उतना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स डेलिब्रेशन करके 4 महीने पहले
इलेक्शन से 4 महीने पहले, तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, उसी के तहत मैं चलूंगा। यही कहने के लिए मैं यहां आया हूं। आप लोगों को थोड़ी देरी हो गई, आपको भी हमको, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बस यही मेरी बात करता हूं। या यार चार को मैं क्या, मैं भी एक सबसे वोट मांग रहा हूं, सबके पास जा रहा हूं, जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मेरा प्रचार कर रहे हैं, अगर वो ठीक प्रचार करके लोगों को जमाते हैं तो क्या मैं ये कहूं अरे आप मत बुलाओ किसको भी। अगर वॉलेंटरली अगर कोई आते हैं, क्या मैं ये कहूं अरे तुम मत आओ भाई, मेरे पास आने के बजाय एक्स के पास जाऊं। ये तो खुद ब खुद, अरे मैं खुद ही कैंडिडेट ही डेलीगेट्स का कैंडिडेट हूं, मैं बार बार बोला और सभी नेताओं ने मिलकर मुझे इंटरेस्ट करने के लिए कहा और उसका रीजन भी बताया। मेरे को कोई ये नया नहीं है, मैं तो 50 साल कंप्लीट किया हूं और 55 साल ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से ब्लॉक लेवल से लेकर पीसीसी प्रेसिडेंट, सीडब्ल्यूसी, आज इसका मैं जो इस मैदान में उतरा हूं, किसी के कहीं इससे नहीं। मैं आई एम गोइंग टू बी नो डाउट अबाउट दैट, बट दिस इज ए इलेक्शन प्रोसेस, दिस इज वी आर फाइटिंग डेमोक्रेटिकली एंड शशि थरूर इज ऑल्सो माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही इज। आई एम गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय ऑल, आई एम डेफिनेटली आई विल गेट इलेक्टेड, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट इन इलेक्शन वी हैव टू फाइट, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एंड एज पर अवर इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन आई एम डूइंग इट। माई डियर फ्रेंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वॉट एवर डिसीजन टेकन इन उदयपुर डिक्लेरेशन, हाउ टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट पॉइंट इज ऑल्सो देयर। वी विल गो अकॉर्डिंग टू द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ये देखो ये झूठ है, अगर किसी को चोट लगी है मेरे, क्योंकि हमारे एरिया में कॉमन है, अगर किसी जगह कुछ कहते हैं तो वहां के वातावरण से वो बना हुआ रहता है, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता हूं। अगर इस बात से किसी को ठोस लगी है मैं रिग्रेट करता हूं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड व्हेनेवर आई एक्सपेक्टेड दैट यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, आई टोल्ड माई मैनिफेस्टो इज उदयपुर डिक्लेरेशन एंड वॉट एवर कांग्रेस पॉलिसीज अर्लियर हैज टोल्ड टू एवरीबडी, दैट विल बी माई प्रायोरिटी, आई विल फॉलो दैट। नो आई एम नॉट टेलिंग दैट, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर माइंड, आई एम पुटिंग माई बायोडाटा, सी माई बिकमिंग माई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट इज डिनाइड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनाइड, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इज डिनाइड, वाइस प्रेसिडेंट केपीसीसी डिनाइड, प्रेसिडेंट डिनाइड, सीडब्ल्यूसी डिनाइड, सी वॉट एवर पोजिशन आई एम ऑक्यूपाइड एवरीबडी नोज दोज फैक्ट्स आई एम पुटिंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, आई विल नॉट क्रिटिसाइज इवन शशि थरूर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन ऋषिकेश हरप्रसाद का रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।